अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज की हमारी वीडियो है आलू की कचौरियाँ बना रहे हैं, सबको ही पसंद होंगी क्रिस्पी क्रंची आलू की कचौरी। सो इसे बनाना बहुत आसान है, सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बाउल लेंगे, इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 1.5 कप। 1.5 कप मैदा लेंगे, ऑयल, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून, और नमक है 1 टीस्पून। इसको जस्ट मिक्स कर लेना है हाथ से कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके का टेक्सचर हो जाएगा इसका। अब इसके अंदर हम रूम टेम्परेचर नॉर्मल पानी ऐड करते जाएंगे, पानी ऐड करते जाएंगे। बेसिकली हम एक डो रेडी कर लेंगे जिस तरीके से नॉर्मली आटा गूंथते हैं उस तरीके से। ये देखिए अच्छे से हमने इसे गूंथ लेना है ताकि कोई लम्स ना हो, ठीक है जी। ये हो गया, अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आप इसे कवर करके साइड पे रखें। नेक्स्ट स्टेप, इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं हम। फिलिंग के लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। हल्का सा इसे फ्राई करना है कि खुशबू आने लगे। प्याज लेंगे एक अदद छोटी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी जस्ट हल्का सा फ्राई करना है, ब्राउन वगैरह नहीं करना और सॉफ्ट भी नहीं करना। हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप्ड, 2 से 3 हरी मिर्चें लेनी है, उसे बारीक चॉप कर लेना है, वो ऐड कर देंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए हो गया, इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, इसे वो लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। चूल्हे की आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी तो मसाला जल जाएगा। हल्का सा इसे हमें मिक्स करना है, ये हो गया। इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू, आलू मैंने लिए थे 4 अदद जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और कद्दूकस कर लिया है, ये ऐड करके मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर, क्रश नहीं लेना पाउडर लेना है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे मिक्स कर लेंगे, साइड पर रख देंगे ताकि फिलिंग ठंडी हो जाए। ये देखिए आटे को रेस्ट देने से कितना सॉफ्ट आटा हो गया है। अब इसकी हमने इस तरीके से करके हमने इसके पेड़े बनाने, छोटे छोटे हमने पोर्शंस ले लेने हैं कचौरी के लिए, इस तरीके से इसके हमने पेड़े बनाने हैं। इक्वली हमने जो है, ठीक है, इस तरीके से हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब इसे हाथ से हमें इस तरीके से प्रेस करना है हल्का हल्का सा, और फिलिंग ले लेनी है, फिलिंग बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, नॉर्मल सी। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसे ऊपर से कवर करना है और एक्सेस जो डो है वो हमने ऊपर से निकाल देना है। अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत मोटी सी आटा आटा सा लगेगा, इसलिए हमने एक्सेस डो निकाल देना है। और इस तरीके से हमने हल्के से हैंड से पेड़ा बना लेना है, और इस तरीके से मैं सारे बना रही हूँ। तो सारे पेड़े रेडी हैं, हल्का सा ऑयल लगाए हैंड्स पे और दोनों हैंड्स की मदद से हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए कचौड़ी रेडी, इसे करेंगे डीप फ्राई। चूल्हे की आंच आपने नॉर्मल रखनी है, पहले से ऑयल गरम करने रख देना है नॉर्मल आंच पे, बहुत तेज़ ऑयल गरम ना हो तो कचौड़ी ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। हल्की आंच पे फ्राई करने से होता है कि फूल भी जाती है, क्रिस्पी सी खस्ता सी बनती है कचौड़ियाँ। ये देखिए रेडी हैं, इसे जाली या रैक पे निकाल के रखना है आपको ताकि मज़ीद क्रिस्पी हो जाए। कचौड़ी इज़ रेडी, इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़ी ही मज़ेदार सी खस्ता सी कचौड़ी है। और इसे आप जो है वैसे ही इतनी खाने में मज़ेदार हैं, आप इसे दही या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही बहुत मज़े की बनती है। वीकेंड पे आपने ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज की रेसिपी है बेसिकली स्नैक रेसिपी है, टी टाइम स्पेशल रेसिपी। आज हम बना रहे हैं मीठे पारे, नमक पारे आपने खाए होंगे, मीठे पारे शायद ही आपने खाए हों। बहुत डिफरेंट और डिलीशियस रेसिपी है, जल्दी से झटपट से बन जाती है, 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक बाउल लेना है और हम लेंगे छन्नी, ये देखिए छन्नी ले ली। अब फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आटा, जो नॉर्मली घर का आटा होता है, फाइन वाइट आटा है, आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं, और 1/2 कप मैदा, मैदा नहीं है स्किप कर सकते हैं, और 1/2 कप मजीद आप आटा ही ले लीजिएगा। इसे हमें छान लेना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/4 कप घी, घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देसी घी हो तो बहुत ही मज़ेदार। 1/2 कप जो रेगुलर शुगर होती है वो ऐड करेंगे, और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से, घी चीनी आटे को। बहुत यम्मी सा स्नैक बनता है, झटपट से बन जाता है, आप इसे बना के एयर टाइट जार में सेव भी कर सकते हैं। थोड़ा
पानी ऐड करते जाएंगे और हमने एक अच्छा सा आटा गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। मैं टेक्सचर दिखाऊंगी आपको लास्ट में इसका। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और अच्छा सा एक स्मूथ सा आटा हमने गूंद लेना है। अच्छे से हमने इसे गूंद लेना है। हो गया। अब इसे हमने हल्का सा जो है ऊपर, ये देखिए 1 teaspoon ऑफ घी ऊपर ऐड लगा के हमने इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट के लिए आप इसे कवर करके छोड़, ये देखिए 30 मिनट बाद ये कितना सॉफ्ट मुलायम आटा हो चुका है। अब इस आटे के हम 2 portions कर लेंगे, बीच से हम इसे कट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब एक पेड़ा सा हमने बना लेना है और अब इसे हम बेलेंगे। हल्का सा हमने मैदा डस्ट कर देना है और इसे हम बेलेंगे और इस बेसिकली रोटी की तरह बेलना है, लेकिन बहुत पतला बेलना हमने। देखिए इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर ये देखिए, इसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए, बहुत पतला नहीं बेलेंगे इसको। और इसे अब हमने कट कर लेना है नाइफ से, एज यू विश। आप स्क्वायर करें पीसेज या डायमंड शेप, मैं डायमंड शेप रखूँगी, छोटे छोटे से पीसेस दिखने में बहुत खूबसूरत और क्यूट से लगते हैं। और अब इस हम मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 2 से 2.5 cup आपने ऑयल लेना है। नॉर्मल हीट रखनी है ऑयल की, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, हल्की हल्की आंच पे ये फ्राई होंगे। आराम आराम से लाइट गोल्डन सा कलर देना है, टर्न करते जाना है। दोनों साइड की देखिए लाइट गोल्डन हो गई, इसे हमने निकाल लेना है। मज़ेदार से मीठे पारे इज़ रेडी, बहुत यमी सा स्नैक है। इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। अच्छा, आपने इसे 30 मिनट्स या 1 घंटे के लिए आपने इसे छोड़ देना है। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना अच्छे से, फिर ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और खाने में मज़ा देगा और बहुत मज़े के बनते हैं चाय के साथ, बहुत मज़े के। आप इसे एयर टाइट जार बर्निंग में आप इसे सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज की रेसिपी है क्रिस्पी फ्राई फिंगर्स, जिसे बनाना बहुत आसान है और जो बनाना आसान हो तो खाने में मज़ेदार हो तो क्या ही बात है। वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो आपके घर में आपकी किचन में मौजूद होती हैं। सो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से अपने किचन में चलते हैं और फिंगर्स बनाते हैं। जी तो चिकन फ्राई फिंगर्स बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस ली है, इस तरीके से स्ट्रिप्स में मैंने कट कर लिया है। ठीक है, आप चिकन हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट मैं लूँगी 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और लेमन 1/2 lemon मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, सिरका यूज़ करेंगे तो 1 teaspoon यूज़ करेंगे। तिल मैं ले रही हूँ 2 खाने के चम्मच, मैदा है 2 खाने के चम्मच और अंडा 1 अदद मैंने लिया है, जैसे फेंट लिया है, मैं 1/2 ऐड करूँगी। हाफ में साइड पे रख दिया है और इसे हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, अच्छे से हमने मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेट तकरीबन 30 मिनट के लिए आप इसे ज़रूर कीजिएगा और इसे करेंगे हम शैलो फ्राई। ठीक है, डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। और ऑयल गर्म हो चुका है, 1 by 1 स्ट्रिप्स ऐड करते जाएंगे और जैसे एक साइड लाइट गोल्डन होगी इसे हम टर्न कर लेंगे। एक साइड हो चुकी है बिल्कुल गोल्डन सा, हमने नॉर्मल आँच पर इसे फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए दोनों साइड से क्रिस्पी सी फिंगर्स इज़ रेडी, सो इसे निकाल लेते हैं। जी तो मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई फिंगर्स इज़ रेडी और इसके अंदर ऊपर जो हमने तिल ऐड किए ना, इतने मज़ेदार से एक अरोमा आता है ना तिल की वजह से। एक तो क्रिस्पी, ऊपर से जब तिल का एक टेस्ट आता है ना मुँह में, आए हैं मज़ेदार। सो रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज की रेसिपी है बेसिक वनीला टी केक, जिसे बनाना बहुत आसान है। मेरी पूरी कोशिश होती है वो रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ जो घर पे चीज़ें अवेलेबल हों आप इजीली बना सके। तो लंच बॉक्स स्पेशल रेसिपी है, टी के साथ तो बड़ा ही मज़ा आ जाना है। जो टी लवर्स हैं उनके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है। सो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, सो कमेंट बिल्कुल करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी तो सबसे पहले मैंने ले लिया है लोफ पैन, जिसे मैंने ऑयल हल्का सा लगा के और मैदा डस्ट कर दिया है। पैन हमारा रेडी है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट एक बाउल लेना है हमने, इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं मक्खन, 100 ग्राम मक्खन है, सॉफ्ट बटर, चीनी ऐड कर देंगे 1/2 cup, दानेदार चीनी है, आप कैस्टर शुगर या किसी भी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इतना हमने वेट करना है कि फ्लफी सा एक मिक्सचर हो जाए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एग्स, अंडे में ऐड करूंगी 3 अदद, एक एक करके हम अंडे ऐड करेंगे।
और इसे हल्का हल्का सा बीट करते जाएंगे और वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। अगर बीटर नहीं है आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। साइड्स हमने क्लीन कर लेनी है, वन बाय वन एग जो है ऐड करते जाएंगे। आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, विस्क यूज़ करेंगे तो आप पीसी भी चीनी यूज़ कीजिएगा तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये लास्ट थर्ड एग हमने ऐड कर दिया और इसको भी हमने अच्छा सा स्मूथ सा एक बैटर बन गया और हमने साइड्स जो है क्लीन कर लेनी है स्पैचुला की मदद से। बहुत सिंपल सा टी केक है, बेसिक और बहुत टेस्टी बनता है। और ऐड करेंगे वनीला एसेंस हाफ टी स्पून और उसके साथ ही ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टीस्पून। लेमन जूस से टी केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो बिल्कुल लाजमी ऐड करना है आपने। ठीक है, अब हमने एक छन्नी ले लेनी है। पहले मैंने मैदा छाना था लेकिन दोबारा भी छानेंगे। और बेकिंग पाउडर है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून और मैदा है 1 कप। अब हमने स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ मिक्स करते जाना है। हाफ मैंने ऐड किया था, अब मैं बाकी का हाफ ऐड कर दूंगी। ठीक है, और अब इसको कट एंड फोल्ड बिल्कुल लाइट हैंड से हमने मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए स्मूथ सा एक बैटर रेडी हो गया। जो पैन हमने रेडी किया था उसके अंदर अब मिक्सचर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से हमने ऊपर से लेवल अप कर लेना है स्पैचुला से। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी एलमंड्स हैं मेरे पास बारीक कटे बादाम हैं, वो ऐड कर देंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट ना हो तो कोई मसला नहीं, स्किप भी कर सकते। अब मैंने पतीले को पहले से प्री हीट कर लिया था, गरम कर लिया था तेज़ आंच पे। और पैन में हमने सेंटर में मैंने स्टील का ढक्कन रखा है, जाली भी रख सकते हैं। कवर कर देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट। चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट 40 मिनट पे मैं इसे चेक कर रही हूँ। मैं लाइट से चेक कर रही हूँ, आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर है, मतलब है केक इज़ रेडी। ये देखिए टी केक इज़ रेडी। सो सबसे पहले इसकी साइड्स हमने अलग कर लेनी है। तकरीबन मैंने इसे ठंडा किया है 1/2 घंटा, उसके बाद मैं इसकी साइड्स अलग कर रही हूँ। डायरेक्ट गर्म गर्म में आपने साइड्स अलग नहीं करनी। ठीक है, और इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ईजीली निकला है। कलर देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम लाइट गोल्डन सा, कोई डार्क ब्राउन नहीं हुआ। इसके स्लाइसेस कट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है सर, मुझे तो एक डर सा लग रहा था कहीं ये टूट ही ना जाए, इतना सॉफ्ट था। मॉइस्ट टी केक और बाजार के इतने मॉइस्ट और सॉफ्ट में बनाए साफ सुथरा बेसिक वनीला टी केक, मज़ा ही आ जाना है। बाहर का तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे आप। बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत डिलीशियस, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था और मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। जो ज़्यादा मीठा है जिनको पसंद है तो वो मीठा 2 टेबल स्पून बढ़ा सकते हैं इसमें शुगर। सो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना फीडबैक लाजमी देना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फेमन लाइक।